नानो की जानो डायरेक्टेड बाय फराज हैदर, स्टारिंग अभय देओल, पत्रलेखा पॉल, राजेश शर्मा और मनु ऋषि चड्ढा। ये कहानी है नानो की, जो अपने पार्टनर्स के साथ में घरों पर इलीगली कब्जा करने का दो नंबर का काम करता है। एक दिन रास्ते से जाते हुए नानो को एक स्कूटर से गिरी हुई घायल लड़की दिखाई देती है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन नानो तुरंत वहां पर जाता है और उसे उठाकर वो हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। इस लड़की का कैरेक्टर निभाया है पत्रलेखा पॉल ने। अब इतनी कोशिशें कर वो उसे हॉस्पिटल तक तो लेके जाता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। अब उस लड़की को उसके पिता यानी राजेश शर्मा के पास में उस हॉस्पिटल में छोड़कर नानू घर पर चला आता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में नानू पूरी तरीके से बदल जाता है। वो बहुत ही टेंशन में जीने लगता है, क्योंकि उस घटना को, उस लड़की के चेहरे को, उसकी आंखों को वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाता है। अब घर पर आने के बाद में उस दिन के बाद से उसे कुछ बहुत ही स्ट्रेंज थिंग्स उसके घर में महसूस होने लगती है। ऐसा उसे लगता है कि कोई भूत उसके घर में है। अब ये भूत कौन है, वो क्यों उसके घर में आया है, क्यों नानू को परेशान करता है, ये इस पूरी फिल्म की कहानी है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको इस फिल्म की स्टोरी बताई है, ऐसा कुछ भी आप इस फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। जिस प्रकार से ये स्टोरी बताई है, ऐसा कुछ भी हमें थिएटर में फील नहीं होता है। दोस्तों, नानू की जानू ये फिल्म देखने के बाद अभय देओल, पत्रलेखा पॉल, राजेश शर्मा और मनु ऋषि चड्ढा, इन चारों एक्टर्स के लिए सच में मैं बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मतलब हर एक जगह पर ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है, निराश करती है। मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे एक्टर्स कैसे इन फिल्म्स को साइन करते हैं और क्या सोचकर ये फिल्म्स बनाई जाती है। अब बार 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 वही सब बातें कहना भी मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ फिल्म्स के रिव्यू में ये सब बातें मैंने कही है कि जहाँ पर हम उन एक्टर्स के लिए सच में बहुत बैड फील करते हैं। और नानू की जानू बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है। वैसे इस फिल्म को हॉरर कॉमेडी कहा गया है, लेकिन इस पूरी फिल्म में कहीं पर भी ना ही हॉरर है और ना ही कॉमेडी। बहुत मुश्किल से खोज कर भी हमें ये दोनों ही चीज़ें इस फिल्म में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। बस मनु ऋषि चड्ढा का जो कैरेक्टर है, वो कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स इस फिल्म में हमें दे करके जाता है। बस उनका ही एक कैरेक्टर ऐसा है जो कुछ दो चार बार हमें इस फिल्म में हंसने के लिए मजबूर करता है। बाकी तो कहीं पर भी ये फिल्म हमें ना ही डराती है और ना ही हंसाती है। फिल्म का नरेशन और स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा वीक है कि फिल्म में हमारा कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है और हम बस फिल्म ख़त्म होने की राह देखते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि नानू की जानू ये फिल्म एक क्रिटिकली एक्लेम्ड सक्सेसफुल तमिल फिल्म पिसासो का रीमेक है। मतलब इसके जो ओरिजिनल फिल्म के मेकर्स है, उन्होंने भी जब नानू की जानू को देखा होगा तो वो भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि यार क्या ये सच में हमारे ही फिल्म की कहानी है जिसका ये रीमेक बनाया गया है। क्योंकि सच में नानू की जानू कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें इम्प्रेस नहीं कर पाती है। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बहुत ही सिली और बचकानी होती है, और उनके उस बचकानेपन को देखकर हमें गुस्सा भी आता है और साथ ही साथ में हंसी भी आती है। और नानू की जानू बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3 out of 10 stars की। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।